Very good morning to all of you. Let's start with the last two topics of the chapter Economic Reforms. The topic number one we are going to start is a GST, and the topic number two we will study is demonetization. So let's start with the first topic, Goods and Services Tax, or the concept of GST. First of all, why was GST introduced? It was based on a slogan, one tax, one nation, one market. It means it was the biggest reform since independence. Biggest reform in the indirect taxes. So, introduced with a view to provide a uniform tax structure across all the parts of the country. Already told you the slogan, one tax, one nation, one market. It is expected to generate additional tax revenue, increase in the tax compliance and reduce the tax evasion. Additional tax revenue. GST को introduce करने के पीछे क्या मंशा थी सरकार की? क्योंकि जब GST का एक दायरा होगा तो उसमें मैक्सिमम जो गुड्स कवर होंगी वहां से खूब सारा पैसा आएगा. दूसरा क्या था? टैक्स की कॉम्प्लायंस बढ़ेगी, क्योंकि जब सभी उस जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे तो सबको ये मालूम होगा कि हमें अपना टैक्स पे करना है, उसके ये रूल्स हैं, उसका ये सिस्टम है. इसलिए वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट के कॉन्सेप्ट को सामने रखा गया. और तीसरी जो खास बात थी, जो टैक्स इवेजन है, टैक्स की चोरी खत्म हो जाए. अब क्या फीचर्स हैं जीएसटी के? जब मैं फीचर्स की बात कर रहा हूं तो मतलब क्या, जीएसटी में क्या क्या विशेषताएं हैं. सबसे पहला, इट वॉज पास्ड इन 2016 में पास किया गया एंड इट बिकेम ऑपरेशनल इन जुलाई 2017. और कंट्री में इंट्रोड्यूस कब किया गया? जुलाई 2017 को. और इट इज द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस. मैं अभी आपको बता रहा था, सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है ये, जब से हमें इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर अब तक सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म ये आया. दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट. क्या फीचर्स हैं? इट इज अ टैक्स ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन एंड नॉट ऑन द एंटायर वैल्यू ऑफ आउटपुट. आपने क्लास 10th के अंदर, और अभी भी हम टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल इनकम के अंदर, चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा होगा, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वहां आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिट. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है? जो टोटल वैल्यू हमने प्रोड्यूस की, जो आउटपुट प्रोड्यूस की, उसको प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. सपोज आपने 1000 नोटबुक्स को प्रोड्यूस किया, एक नोटबुक की प्राइस है 20 रुपीज, तो टोटल वैल्यू हो गई 20,000. और वैल्यू एडिट होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू एडिट. अब यहां देखो वो क्या कह रहे हैं, इट इज अ टैक्स ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन एंड नॉट ऑन द एंटायर वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो ये पहला इसका फीचर. दूसरी चीज अभी हमने पढ़ी, यूनिफॉर्मिटी इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेशन अक्रॉस द कंट्री, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ गई. इट इज बीइंग लेविड ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनको छोड़कर बाकी सब तरह की गुड्स और सर्विसेज पर यह टैक्स लगाया गया. इसमें 5 रेट्स रखे गए, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. तो ये तो हो गया हमारे पास मीनिंग ऑफ जीएसटी एंड इट्स फीचर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द जीएसटी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेरिट, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम. सिंप्लीफाइड इन द सेंस ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज हैव बीन रिमूव्ड. Uniform tax is there. There is no variation in the taxes. Because of the uniformity, it became simple. Second one is a common market. Means it has helped
to make the goods and services move across the entire country at the same rate of taxation. It means it has facilitated, it has helped freedom of the movement of goods and services across India. Why? Because taxes are uniform, there is no variety on the taxes. So this is the second feature of, second merit of GST. Third is a higher economic growth rate. Why? Because it will reduce the cost. And you know, when the cost will be reduced, cost of production will come down, the supply will increase, and automatically there will be high economic growth rate in the country. So this was the third merit of the GST. Number four is reduction in the cost. So what does it mean, reduction in the cost? Cost mein kami aa gayi, kyunki tax system bada uniform ho gaya, किसी तरह की कोई उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रही, सब जगह पर एक जैसा टैक्स, तो इंडियन प्रोडक्ट्स दे बिकेम चीपर एंड देयरफॉर मोर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट. हमारे प्रोडक्ट्स और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए इंटरनेशनल मार्केट में और हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए, इम्पोर्ट्स कम हो गए और हमें क्या होने लगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलने लग गया. तो ये हमने चौथा फीचर इसका कंप्लीट कर लिया. सो द फिफ्थ मेरिट ऑफ जीएसटी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द फोर्थ. फिफ्थ इज इंक्रीज इन द टैक्स कॉम्प्लायंस एंड हायर ट्रांसपेरेंसी. व्हाट डज इट मीन? इट मींस नाउ इट वाज इजी टू फाइल द टैक्स, इजी टू पे द टैक्स. एट द सेम टाइम इट सेव्ड एफर्ट्स, time, and there was no possibility of corruption. So this was the fifth merit of GST. It made the tax payment easier. Due to online administration of the tax, it will make the tax settlement faster and reduce the corruption. So this is all the merits. These are all the merits of GST. Now these are the some demerits. Number one, the first demerit is that change in the business system. Because you know, whenever the enterprise pays a tax, already there was some system of paying the indirect taxes. But now it was a, all of, you can say, the entire change in the system. So the transition, the shifting of the GST required all the businesses to change their ERPs. It is a enterprise resource planning, which they used to do by the old taxation system. They have to change it now by upgrading the software. Either they have to upgrade the software, अपने software को upgrade करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, नया GST compliant network software खरीदना पड़ेगा. तो पहली चीज तो ये हो गई कि business system में ही change आ गया, तो ये एक तरह का डिमेरिट हो गया, उनको इस पर खर्च करना पड़ा जीएसटी कॉम्प्लायंस. अब क्योंकि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, छोटे छोटे और जो मध्यम उद्योग, वो इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे, देयर वाज अ लैक ऑफ अवेयरनेस. सो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मोस्ट ऑफ देम वर वरीड अबाउट फाइलिंग द टाइमली रिटर्न्स. बिकॉज अब वो कैसे इसको कंप्लाई करें, किस तरह से अपने टैक्स को इजीली भरें, उनके लिए भी ये एक मुश्किल काम हो गया. तो ये इसका सेकंड डिमेरिट हो गया. थर्ड यू सी इज इंक्रीज इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट. अब छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे वो अपने हिसाब से टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन अब इसके लिए तो उनको एक सिस्टम से पे करना है, उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ गई, तो उनका इसको ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई. सो now the small businesses, they required the professional assistance. Unko CAs ki help leni padegi, technical experts ki help leni padegi, to isliye unke paas professional assistance unko leni padi to become GST compliant. As it was a new system, therefore it increased their operating cost. Ye iska third hum keh sakte hain nuksan hua GST ka, या थर्ड इसकी डिमेरिट हुई. और लास्ट इज नंबर फोर, लैक ऑफ अवेयरनेस. इतना आसान नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी,
क्योंकि कभी तो नोटिफिकेशन नए नए आ रहे थे, एक बार नया सिस्टम आएगा उस सिस्टम को अडेप्ट करना, उस सिस्टम को धीरे धीरे अपना मार्केट में फॉलो करना, इट्स नॉट इजी। तो ये भी एक बहुत मुश्किल सब बिजनेसमैन को हुई, बिकॉज द न्यू टैक्स सिस्टम कम्स अलोंग विद अ इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत सारी उनमें जटिलताएं थी, एंड नोटिफिकेशन बार बार नए नए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इश्यू कर रही थी, अभी भी आ रहे हैं आपको मालूम है, तो कंफ्यूजन का बहुत ज्यादा एक दायरा बढ़ गया और इससे मिस इंटरप्रिटेशन ज्यादा हुई, लोगों की अवेयरनेस खत्म हो गई। तो हमने अभी पढ़ लिया जीएसटी क्या, जीएसटी के क्या फीचर्स हैं, इसके क्या मेरिट्स और क्या इसके डीमेरिट्स। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बच गया इस चैप्टर का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। और वो टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग डाउन द करेंसी एज अ लीगल टेंडर। जब गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने अनाउंस किया कि जितने भी पुराने 500 और 1000 के नोट हैं अब वो कल से लागू नहीं होंगे, कल से वो वैलिड नहीं रहेंगे, और उस रात 8 बजे के बाद उस अनाउंसमेंट के होते ही उनका वो लीगल टेंडर मनी का स्टेटस छिन गया, इसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। ये मैंने आपको बड़े साधारण शब्दों में बताया, आप इसको एक बार पढ़ते हैं। इट मींस टू विथड्रॉ एग्जिस्टिंग करेंसी फ्रॉम यूज, जो वर्तमान में करेंसी हम यूज कर रहे हैं उसको विथड्रॉ कर लेना, उसको वापस खींच लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्शियली डीमोनेटाइज्ड एग्जिस्टिंग करेंसी, सारी करेंसी को बंद नहीं किया, बहुत कॉस्टली अफेयर है, पार्शियली सिर्फ 500 और 1000 के नोट, दैट इज द नोट्स ऑफ 500 एंड रुपीज 1000 और नवंबर 8, 2016। दीज वर नो लॉन्गर द लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मनी क्या होता है, जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है पेमेंट के लिए और दूसरा उसको मना नहीं करेगा। अगर आप पे कर रहे हो तो वो मना नहीं करेगा, अगर वो आपको पे कर रहा है तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनी रूप से आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा। और आपको पता है करेंसी नोट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, करेंसी नोट्स दे आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, कॉइन्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो पीपल वर आस्क्ड टू चेंज द डीमोनेटाइज करेंसी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन, उनको समय दे दिया गया कि अपने नोट इस समय तक पुराने चेंज करवा लो, नहीं तो वो सारे वैलिड नहीं रहेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या इसके उद्देश्य थे, किस लिए किया गया ये? सबसे पहले तो टैक्स की चोरी रोकने के लिए किया गया। जिन लोगों ने पैसा बहुत इकट्ठा कर रखा था 500 हजार के नोट, जिन लेडीज ने भी बहुत पैसा छुपा रखा था, तो वो दिवाली उनकी हो गई जेंट्स की, क्योंकि उनको मजबूरी में निकाल के देना पड़ा। अब इस करके तो मौज हो गई है ना, कि उनको पता लग गया कि हमारी जो होम मिनिस्टर है इन्होंने इतना पैसा बचा के रखा है, वो पैसा सारा अनर्थन हो गया, सामने आ गया, तो मौज रही। ठीक है, तो ये देखो, रिड्यूस द टैक्स इवेजन मेजर सोर्स ऑफ ब्लैक मनी, इट विल रेज द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। फिर बैंकिंग में पैसा वापस आ गया, टू ब्रिंग बैक द ब्लैक मनी इन द बैंकिंग सिस्टम। अब आपको पता है बैंक में जब पैसा आएगा तो बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगा, ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू ब्रिंग बैक ब्लैक मनी इन टू द बैंकिंग सिस्टम। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, विच इन टर्न विल लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट, लीडिंग टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज अ टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, करप्शन की समस्या। आपको पता है हमारे देश में, मैंने आपको कई बार बताया, दो सबसे बड़ी समस्याएं, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और दूसरी करप्शन। अगर इन दोनों पर हम काबू पा लें तो देश में स्वर्ग हो जाएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यूं है कि हम लोग अपने आप को इंडियन नहीं मानते, धर्म के ऊपर बटे हुए हैं, जो किसी धर्म विशेष के हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे ज्यादा संख्या बढ़ती जाए, खासकर बड़े इंपार्शियली कहूंगा कि मुस्लिम्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम पॉपुलेशन और जल्दी बढ़ाएं तो माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में पहुंच जाएं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा कंट्री है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम कौन है, वी आर द वन एंड वी आर इंडियंस,
तो यहां पर ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और कुछ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण है लोगों का इलिटरेट होना, जो कि अब काफी कम हो चुका है क्योंकि बहुत अवेयरनेस फैला दी गई है। एंड सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन, क्योंकि करप्शन मतलब क्या है, मिसयूज ऑफ वंस ओन पोजिशन फॉर द ओन बेनिफिट, फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट, फॉर द फैमिली बेनिफिट एंड नॉट फॉर द नेशंस बेनिफिट। तो देखो यहां पर वो यही कह रहे हैं, इट वॉज ब्लैक मनी इज यूज फॉर मोस्ट करप्शन डील्स, इसलिए करप्शन को भी कंट्रोल करना बहुत बड़ा मोटिव था। टू कर्व टेररिज्म, आपको पता है मोदी जी ने यह भी बहुत बढ़िया काम किया कि रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 370, सो इट प्रूव्ड बून और बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी कम हो गई। स्टोन पेल्टिंग, जो पत्थरबाजी वहां करते थे वो आर्मी पर, उसके पीछे उनको एक पैसा होता था कि 500 रुपए मिलेंगे आप पत्थर मारो। वहां की जो यूथ जो अनएम्प्लॉयड थी वो ये सोचती थी ठीक है इसी बहाने पैसा आ जाएगा। अब इस चीज ने उस काम को भी बंद कर दिया, ये देखिए, बिकॉज द टेररिस्ट दे यूज द ब्लैक मनी टू फाइनेंस देयर ऑपरेशंस एंड टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ द फेक करेंसी। आपको पता है नकली नोट बहुत ज्यादा है हमारे कंट्री के अंदर मिलते हैं। रिसेंटली अभी बल्कि जब मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो करनाल की न्यूज थी कि करनाल में दो लोग पकड़े गए और उन्होंने जो है अपने उनके हाथ से 2 लाख रुपए के नकली नोट फेक करेंसी पकड़े गए। तो अब आप लगाओ ये रिसेंट की न्यूज है, आज मैं जब आपको लेक्चर दे रहा हूं तो इट इज अ न्यूज ऑफ 24th and 25th को मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये देखिए, सो टू कर्व द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लैक मनी और द फेक करेंसी द एग्जिस्टिंग फेक नोट्स ऑफ रुपीज 500 and 1000 बिकेम वेस्ट पेपर ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन। अब इसकी ब्रीफली हम कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉस मतलब एडवांटेजेस या मेरिट्स। ब्लैक मनी खत्म हो गया, अबॉलिशेस द ब्लैक मनी, इसके बारे में 2-2 लाइनें आप लिख सकते हो। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मजबूती मिली, इट स्ट्रेंथन्स द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ गई। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो बहुत महंगी हो चुकी थी, जमीन जायदाद जो हमारी थी उसके रेट्स में बहुत ज्यादा कट हुआ और उनके प्राइसेस जो है कंट्रोल में आ गए। करप्शन पर बहुत ज्यादा हमें जो है जीत मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैशलेस इकोनॉमी, पेटीएम, फोन पे, ये जो एप्स आ गई, तो आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, चक्करबाजी खत्म हो गई, करप्शन खत्म हो गई। पानी का बिल भरना है ऑनलाइन भरो, बिजली का बिल भरना है ऑनलाइन भरो, कुछ भी करोगे जब ऑनलाइन करोगे तो सारा कुछ रिकॉर्ड रहेगा, आप भी सेफ रहोगे, बैंक भी सेफ रहेगा और किसी तरह की कोई आपके साथ लॉस आपको नहीं हो सकता, कोई चीटिंग नहीं कर सकता। तो ये इसके कुछ प्रॉस या एडवांटेजेस रहे। आइए अब देखते हैं इसके क्या क्या कॉन्स या डिसएडवांटेजेस रहे। एडवर्स इंपैक्ट ऑन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, बेचारे जो छोटे छोटे उद्योगपति थे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उनके लिए काफी नुकसान रहा, उनको बहुत दुख झेलना पड़ा। और जो इनफॉर्मल सेक्टर था डेली वेज अर्नर्स के ऊपर, उनको पैसे की क्राइसिस आ गया क्योंकि पैसा उनको नहीं मिल रहा था और वो तो बेचारे रोज कमा के रोज खाने वाले हैं, तो उनको नुकसान हुआ। बैंक एम्प्लॉयज के ऊपर तो बर्डन बढ़ना ही था क्योंकि उनका तो काम था, ये सारा बैंकिंग सिस्टम में ही तो निकला डिमोनेटाइजेशन, उनके ऊपर काफी बर्डन बढ़ गया, वो 24/7 बिजी हो गए इस चीज में। प्रिंटिंग द न्यू करेंसी कोई आसान नहीं है, इसके ऊपर कॉस्ट बढ़ी, द कॉस्ट इंक्रीज्ड फॉर प्रिंटिंग द न्यू करेंसी, देन इट वॉज अ वेरी हायर कॉस्ट। डिक्रीज इन द डिमांड, अब देखो डिक्रीज इन द डिमांड क्यों, जब सब कुछ डिमोनेटाइजेशन हो गया तो डिमोनेटाइजेशन होने से सबसे बड़ा क्या हुआ नुकसान, कि जो छोटे वर्कर्स थे उनके पास तो पैसा नहीं था, इसी तरह जो छोटे इंप्लॉयज हैं जो पहले सब कुछ जो था उनके उनका जो था आप ये कह सकते हो सिस्टम ऐसे चल रहा था कि देवर मेंटेनिंग विद अ डेली कैश, अब उनके पास वो कैश नहीं था देने के लिए, उस मजबूरी में उन्होंने भी काम रोक दिया और मार्केट में ओवरऑल डिमांड बहुत कम हो गया। कुड नॉट टारगेट एंटायर ब्लैक मनी, एंटायर ब्लैक मनी को टारगेट नहीं कर सके, वो तो टारगेट हो गया जो पैसा छुपा के रखा था निकाल दिया लोगों ने, कई हमने तो इस चक्कर में नोट जला दिए, नोट पानी में बहा दिए, लेकिन जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टी गोल्ड पड़ा था उस पर अभी टारगेट ये नहीं कर सका।
तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, और इसके ये दो नए टॉपिक जो अभी हमारे सिलेबस में पिछले ईयर इनकॉर्पोरेट हुए, पहला टॉपिक आपका जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा हमने अभी पढ़ा दैट इज डीमोनेटाइजेशन, ये आपके पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैं वीडियोस आपको बना रहा हूं आपको भेज रहा हूं, मेरी मोटिवेशन है कि आप इसे पहले तो ध्यान से सुने, साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। हाँ एक रिक्वेस्ट जरूर कि वीडियोस को आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर करना मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मैं आपके लिए और बेस्ट वीडियोस बना के भेजूंगा, जिससे हम दोनों एक दूसरे को इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।